एक ब्राह्मण के यहाँ रुके थे। उस नगर में एक राक्षस था जिसे प्रतिदिन एक बड़ी गाड़ी भरकर भोजन अन्न दिया जाता था, और जो उस गाड़ी को लेकर जाता था वो बकासुर उसको भी खा जाता था। आज उस ब्राह्मण के घर का नंबर था जहां ये पांडव लोग रुके थे। माँ कुंती कहती है कि चिंता मत करो, आज मेरा बेटा उस गाड़ी को लेकर जाएगा, हमने आपका नमक खाया है, नमक हरामी हम नहीं करेंगे। उस गाड़ी को लेकर भीमसेन जाते हैं और बकासुर के सामने ही उसका अन्न खाने लगते हैं। इसलिए देखकर बकासुर को क्रोध आ जाता है और बातों बातों में इतनी बात बढ़ जाती है कि आपस में युद्ध शुरू हो जाता है। बोले कि चीर डालूंगा तुझे ना। एक और अछूती धुन सुनो। चीर डालूंगा तुझे डालूंगा तुझे टांग उठा के, चीर 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 डालूंगा तुझे टांग उठा के, अरे फर सकता है तो गुफा भैया।
बामन ने सराज ज्यादा खाए लगे। हाँ ध्यान देके सुनेंगे भैया, दो मिनट में 2 लाख की चीज सुना रहा हूं। समझ ले भैया, सुर कम, हमारी बात पे ज्यादा ध्यान। समझ ले आजी अंतिम घड़ी अब तेरी आई है। अंतिम घड़ी अब तेरी आई है। मुझे